नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, तो हालत बहुत बुरी है भाजपा। सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4th June। देश के प्रधानमंत्री जी से बिहार में आइए, घूमिए फिरिए, ये आप ही का राज है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में भाषण देने के लिए नहीं आइए, चुनाव के बाद भी आप आइए, बिहार में रहिए। जैसे गुजरात में जाके रहते हैं, 24 ईयर्स का अगर हो गए हैं तो बुजुर्ग नहीं है, और बुजुर्ग है तो हम लोग सम्मान करते हैं बुजुर्ग को। RJD का काम है कहना, वो लोग कहेंगे। हम लोग 39 में इस बार 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं। पिछली बार एक असर था, वो भी हम पूरा कर लेंगे इस बार। तेजस्वी यादव जी, किसका खात्मा होगा, क्या खात्मा होगा, पहले अपनी चिंता कर लें कि उनका खात्मा किस तरह से हुआ जा रहा है, उनका और उनके परिवार का, उसकी चिंता कर लें, उसके बाद हमारे खात्मे की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव एक धुन गा रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कमिंग ऑन सून 4th June। देखिए, ये तेजस्वी यादव का बयान है जो अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पर मुकेश सहनी भी खूब बरसे हैं NDA के नेताओं पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और संजय झा के भी बयान पे अपनी बातों को रख रहे हैं। पर JDU से विधायक है शालिनी मिश्रा किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रही हैं, और कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष हैं, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, और तमाम जो दल के लोग हैं एक दूसरे पर निशाना भी खूब साध रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, तमाम मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, मुकेश सहनी से सवाल किया गया है। देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। 30 करोड़ कैश पड़ा मजबूर है, वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को रोड शो करेंगे पटना में, बहुत अच्छा है, 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, समझ रहे हैं, जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है। तो हम क्या कहते थे बार बार, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, तो हालत बहुत बुरी है भाजपा। प्रधानमंत्री बार बार हो गए, आपने कहा था, लेकिन संजय झा ने कहा है कि आप तो जवान है लेकिन व्हील चेयर पर क्या कैसे बैठे, क्यों बैठे, गजब बात है। ये कोई सवाल है, इंजरी होती है ना, इंजरी होती है तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम फील्ड में है ना, अपना काम तो कर रहे हैं चाहे जिस हालत में हो। पिछले चुनाव का प्रचार समापन हो गया, चुनाव समाप्त हो गए भाजपा के लोग यहाँ से, NDA खत्म है। हमने पहले भी बोला है, सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4th June। तेजस्वी जी, आपने प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा, जिस पर सत्ता पीर ज्यादा, बट सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा, हमने तो लगभग 100 से ज्यादा रैलियां कर ली, 107 PM ने कितना किया, और लगभग 350 रैली हम विधानसभा में किए थे एक दिन में, 19 रैली। खैर, ये सब कंपेयर करने की बात नहीं है, स्टेमिना कितना है नहीं है, हम लगड़े पैर में भी उनसे ज्यादा तेज दौड़ लगे, बुला के दिखाई हो रहा है, और तीसरे चरण का मतदान भी होने वाला है कल, तो लगातार RJD महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 फेज में हमारी बढ़त हुई और तीसरी फेज में भी हमारी बढ़त होगी, कैसे देख रहे हैं? RJD का काम है कहना, वो लोग कहेंगे, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हम लोगों ने अपनी स्टडी की है, सर्वे किया है, हम लोग 39 में इस बार 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं। पिछली बार एक असर था, वो भी हम पूरा कर लेंगे इस बार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2024 में आपके पार्टी का खात्मा हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी, किसका खात्मा होगा, क्या खात्मा होगा, पहले अपनी चिंता कर लें कि उनका खात्मा किस तरह से हुआ जा रहा है, उनका और उनके परिवार का, उसकी चिंता कर लें, उसके बाद हमारे खात्मे की बात करेंगे। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में JDU चल रही है, कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे भी डाउन द लाइन नेता काफी अच्छे हैं हमारे,
उनके नेतृत्व में हम लोग हमेशा ही सशक्त रहेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। लालू जी के दोनों बेटे चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा आपको? लगना क्या है, उनकी हार होनी है, निश्चित है। वो लोग बस ट्राई कर रहे हैं, परिवार को बढ़ा रहे हैं। परिवार में आप ही देख लीजिए कि कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बस परिवार को ही बढ़ाना है। आप लोग खुद ही समझिए, बिहार को बढ़ाना नहीं है, उनको परिवार का विकास करना है। ये सवाल है मैडम कि झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर के पास से करीब 25 करोड़ रुपए बरामद मिले हैं, बरामद हुए हैं। झारखंड की बात झारखंड वाले जानेंगे, किसके पास क्या मिला मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह से 40 में 40 जीतेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जितने निष्ठा से और जितनी ईमानदारी से काम करते हैं, पूरे देश में इसकी मिसाल कायम होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमर में दर्द हो गया, फिर भी अगर चुप होंगे तो ये लोग युवाओं की बात नहीं करेंगे। युवाओं को जितनी नौकरी दी जा रही है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी नौकरी दी गई है और आगे भी कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं बिहार में। तो बिहार के युवा तो बहुत ज्यादा सशक्त हो रहे हैं, उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे। तेजस्वी करें कि नौकरी हम दे रहे थे पर क्रेडिट लेने की बार बार कोशिश किया जा रहा है। पहले जितने साल उनके माता पिताजी ने राज किया उसमें नौकरी तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। आपके पास आंकड़े हैं, कितने नौकरी दे दी उन्होंने 15 साल में, 15 महीने में ये क्या नौकरी देते। और जिस विभाग की नौकरी की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा मंत्री खुद ही ऑफिस नहीं जाते थे, नौकरी कैसे दे सकते थे वो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको फॉर्मुलेट किया था, और संयोगवश जिस समय में वो उप मुख्यमंत्री थे उस समय में वो नौकरियां बांटी गई, इसलिए उसका श्रेय ले रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके राज में क्या हुआ था 15 साल। प्रधानमंत्री को बुजुर्ग बता रहे हैं तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री जी जितने सशक्त हैं और जितने मजबूत हैं और मानसिक रूप से जितने ज्यादा वो कॉन्फिडेंट हैं, आप देखिए देश ही नहीं पूरे विश्व में हमारा नाम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को बुजुर्ग होने में बहुत टाइम है, वो अपने पिताजी के बारे में सोचे और खुद के बारे में सोचे। आज झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर के पास से 25 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। तो इसके ऊपर जांच का विषय मुझे कुछ जानकारी नहीं है, और जिनके ऊपर से पैसा निकला उसे सवाल जवाब किया जाए कि आखिर कहाँ है, क्या पैसा है, किसका पैसा है, वो सवाल जवाब किया जाए। आज अमित शाह का मुजफ्फरपुर में रोड शो होना है। बिहार है और बिहार में हम लोग हर किसी को स्वागत करते हैं। मैं खाली यही उम्मीद करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, बिहार में आइए, घूमिए फिरिए, ये आप ही का राज है। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में भाषण देने के लिए नहीं आइए, चुनाव के बाद भी आप आइए, बिहार में रहिए। जैसे गुजरात में जाके रहते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, वहाँ के सरकार से मिलते हैं, उस राज्य के बारे में समस्या सुनते हैं, उस राज्य के समस्या को समाधान करते हैं। तो कभी बिहार में भी आइए, यहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री से मिलिए। बिहार के राज्य में जो समस्या है, युवा का, बेरोजगारी का हो, या जो भी समस्या है उसके बारे में समझिए, उसको दूर कीजिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में भाषण देने के लिए नहीं आइए, बाकी टाइम में भी आइए और बिहार में कुछ काम कीजिए। 40 में से 39 सीट आप जीते हैं और आपका दिल्ली में सरकार है, तो बिहार में आकर थोड़ा काम कीजिए, सिर्फ आके भाषण मत दीजिए। सिर्फ चुनाव के टाइम तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा है, तो है ही, इसमें क्या अलग बात है, वो बुजुर्ग नहीं है। 74 ईयर्स का अगर हो गए हैं तो बुजुर्ग नहीं है, और बुजुर्ग है तो हम लोग सम्मान करते हैं बुजुर्ग को। तो 74 साल के बाद तो अब वो कल से ना बोलने लगे कि हम युवा हैं, कल से तो ये ना बोलने लगे कि हम युवा हैं। संजय झा कह रहे हैं कि उनकी उम्र तेजस्वी यादव की उम्र कम है, फिर भी व्हील चेयर से आ रहे हैं। संजय झा ने कहा, अभी संजय झा को क्या कहें। देखिए, हर आदमी अस्वस्थ होने के बाद व्हील चेयर पे जा सकता है, चाहे वो 75 साल का हो या 22 साल का लड़का हो। अगर अस्वस्थ है, पैर में कोई दिक्कत है, कमर में कोई दिक्कत है, बीमारी है, कोई तबीयत खराब है, तो कोई भी व्हील चेयर पर जा सकता है। अभी संजय झा जी को कौन समझाए कि उम्र से और किसी के व्हील चेयर से जोड़ लेना, तो अभी संजय झा की समझ है, अभी उनको क्या समझाया जाए। चुनाव प्रचार में मुस्लिमों के साथ आप लोगों ने छल किया है, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, और जब वो चुनाव का समय आता है तो मुस्लिम, ये पूरे भारत को पता है, पूरे दुनिया को पता है कि धर्म के ऊपर राजनीति कौन कर रहे हैं, और जिसको लेके भारत के अलावा भी विदेश में जितने भी देश हैं वो सब लोग ये चिंतित हैं कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं रहा। और भारत में भी आप मान रहे हैं कि देश में जाति धर्म का राजनीति कौन कर रहे हैं,
तो ये सारे चीजें को खत्म होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि लोग आते जाते रहेंगे, ये देश हमारा हमेशा रहने वाला है, और इस देश में ऐसी नफरत वाली राजनीति नहीं कीजिए जिससे हमारे आने वाला पीढ़ी को तकलीफ होगा। तीन चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। बहुत ही अच्छा हम लोगों ने प्रचार किया। तीसरा फेज के लिए हम लोग दरभंगा में स्टे करके उस कोसी में और मिथिलांचल में तमाम हम लोगों ने मजबूती से तैयारी किया, वहाँ पर रह कर एक एक वर्कर से मिला, अपनी बात को जनता के बीच में रखा। हमें पूरा उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो आपको चौंकाने वाला होगा और बहुत ही अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन रहेगा। रोज खाएंगे। तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, मुकेश सहनी को सुन रहे थे, और जेडीयू के महिला विधायक किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव रेडियो, को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।